अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट यूनिट ऑफ योर बुक दैट इज़। पहले हम बुक का नाम पता कर लेते हैं। आवर बुक नेम इज़ वी लर्न इंग्लिश 6, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट नंबर 1 एंड दैट इज़ स्पेशल पीपल। यूनिट नंबर 1 का क्या नाम है हमारे? स्पेशल पीपल। कोई मुझे बता सकता है ताकि स्पेशल पीपल कौन लोग होते हैं, कैसे होते हैं? स्पेशल पीपल वो लोग होते हैं जो हमारी तरह नॉर्मल नहीं होते हैं, या जिसमें जिनमें डिसेबिलिटीज़ होती है, जो कि माजूर होते हैं, चाहे वो सुन नहीं सकते, चाहे वो बोल नहीं सकते, चाहे वो देख नहीं सकते, या चल नहीं सकते, या कोई काम नहीं कर सकते। तो हमारे पास स्पेशल पीपल वो लोग होते हैं, ठीक है। नाउ ओपन पेज नंबर 1। सी पेज नंबर 1 एंड ऑन पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, जैसे कि वी ऑल नो दैट आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिट नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 है स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल वो होते हैं जो डिसेबल होते हैं, ठीक है। तो मतलब जिनमें कोई माजूरी होती है या जो भी, ठीक है। ये देखो, ये एक एग्जांपल है। अ गर्ल, देखो ये सामने देख रही है जबकि ये इनके हैंड पे लिख रही हैं। इसको यहाँ देखना चाहिए लेकिन ये यहाँ देख रही है। तो वॉट डज दैट मीन? दैट मीन्स के शी इज़ ब्लाइंड, मतलब She cannot see, वो देख नहीं सकती। अच्छा चलो, let's start. Before start reading or before start explaining this chapter, हमने जैसे कि पढ़ा that on the top of page number 1, हमारे पास हमारे unit की heading डली है, which is unit number 1 special people, and right after that we have another heading, एक और heading है और उसका नाम है pre-reading discussion। क्या नाम है? प्री रीडिंग डिस्कशन। प्री का मतलब होता है पहले, मतलब किसी भी चीज़ से पहले, एंड रीडिंग मतलब जो हम रीड करेंगे, एंड डिस्कशन मतलब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये ऐसा करना है कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, मैं इनको रीड करके आपसे क्वेश्चन करूँगी एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ऑब्वियसली यू कैन नॉट आंसर देम डायरेक्टली टू मी। आप मुझे जो है उस सवाल का डायरेक्टली जवाब नहीं दे सकते। तो आई हैव एन आइडिया फॉर यू, आई हैव अ प्लान फॉर यू, कि मैं जो ये 3 क्वेश्चंस करूँगी इनके जवाब आपको जो है अपने पेरेंट्स को देना है, मतलब अपने मम्मा को देना है, बाबा को देना है, या अपने बड़े भाई बहन या ट्यूशन टीचर को देना है, ठीक है। उसके बाद जब हम स्कूल वापसी आएंगे तो आई विल गोइंग टू आस्क देम कि आपने कितने आंसर्स सही दिए और कितने आंसर्स गलत दिए। तो उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जो कि आपको क्लियर सरप्राइज़ है, और उसके मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है दैट हैव यू एवर स्टॉप टू हेल्प अ ब्लाइंड मैन क्रॉस द स्ट्रीट। पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान के लिए रुके हो, उसको स्ट्रीट, उसे सड़क क्रॉस पार कराने के लिए या क्रॉस कराने के लिए, जो देख ना सकता हो। तो अब आपको इसका मुझे आंसर देना है। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर विश्ड एन ओल्ड वुमेन इन अ व्हीलचेयर और मेड फ्रेंड्स विद अ स्पेशल चाइल्ड हु इज एज ओल्ड एज यू आर बट डज नॉट हैव द सेम एबिलिटीज। पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी ओल्ड वुमेन को विश करने, मतलब सलाम करने, उनका हालचाल पूछने के लिए कभी रुके हो, या फिर आप कभी ऐसे, मतलब जो वुमेन जो है व्हील चेयर पर बैठी हो, मतलब चल नहीं सकती हो, देख नहीं सकती हो, कोई भी उसमें डिसेबिलिटी हो, या आप कभी ऐसे बच्चे के साथ आपने फ्रेंड बनाया है, ऐसे चिल्ड्रन के साथ जिसमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हो, मतलब एबिलिटी ना हो, मतलब वो हमारी तरह नॉर्मल ना हो, हम तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, हमें तो अल्लाह मैंने सारी, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग अल्लाह मैंने हम लोग को माजूर नहीं बनाया, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले।
ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद हमें सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र करेंगे, उसके बाद वापस से हम ये क्वेश्चन समझेंगे और इसका आंसर देंगे। इसका आंसर ये है कि क्या आपने कभी किसी ऐसी ओल्ड वुमेन को, ओल्ड लेडी को सलाम किया है या उसकी खैर खैरियत पूछी है जो कि व्हीलचेयर पे हो, या कभी आपने ऐसे बच्चे के साथ, ऐसे स्पेशल बच्चे के साथ आपकी दोस्ती रही हो जो कि हम आपकी तरह एबल ना हो, मतलब जिसने आपकी तरह की एबिलिटीज़ ना हो, जो कि डिसएबल हो, जो कि सुन नहीं सकते, कुछ भी माजूरी हो जिसके अंदर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ डिड यू फील व्हेन यू हेल्प्ड दीज पीपल। वो पूछ रहे हैं कि जब आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हो, मतलब किसी ब्लाइंड को आप रोड क्रॉस कराते हो, या किसी ऐसे बच्चे के आप दोस्त बनते हो, या मतलब यू नो किसी आंटी को जो व्हील चल ना सकती हो, या वो मतलब जो भी लोग डिसएबल हो, माजूर हो, उनको उनके आप हेल्प करते हो या आप उनसे बात करते हो, तो आपको कैसा फील होता है हमें ये बताना है, ठीक है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड टू आज चैप्टर स्पेशल पीपल, कह रहे हैं यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ। जो आपको वर्ड नहीं आएगा आपको उस वर्ड को अंडरलाइन करना है और उस वर्ड को आपको स्पेलिंग करके प्रोनाउंस खुद करना है। अगर आप कोई है एटलीस्ट 5 to 6 टाइम करना है, लेकिन अगर आप तब भी 6 अटैम्प्ट में भी फेल हो रहे हों तो आपको मामा पापा को तंग किए बगैर आपको गूगल खोलना है, वहाँ पे आपको वर्ड टाइप करना है और इसका साउंड सुन लेना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो वर्ड आपको पढ़ना नहीं आएगा यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड, क्योंकि जब हम क्लास में आएंगे तो हम वापस से जो है हम रीडिंग करेंगे और हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर अगर किसी को वर्ड नहीं आया तो फिर मैं तो भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगी, क्यों, क्योंकि फिर आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी, ठीक है। तो अभी हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद करना है। ये बोलते हैं कि मतलब इस चैप्टर में ये है कि जो लोग हैं, ठीक है, मतलब जो डिसएबल लोग होते हैं, जो माजूर लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अनफेयर तरीके से, मतलब यू नो नाजायज़ तरीके से ट्रीट किया जाता है, मतलब जो वो डिज़र्व नहीं करते ना उस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक मसला ये है कि हम उन लोगों को ट्रीट जानबूझ के नहीं करते, मतलब खुद ही हो जाता है, मतलब हम जो है कोई व्हील चेयर पर बैठा होता है, हम अपने मामा पापा के साथ पार्क में जाते हैं, या हम कहीं भी मॉल्स में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कोई व्हील चेयर पर होता है तो हम उसे देख के इग्नोर कर देते हैं, या कोई ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता, हम उससे उसको भी मतलब इग्नोर कर देते हैं, और हम ऐसे लोगों की चाहे किसी भी तरह से माजूर हो हेल्प करने के लिए नहीं रुकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि वो बच्चे हमारी तरह, वो बच्चे बड़े बूढ़े जो भी, हम लोग की तरह नॉर्मल लाइफ, आम जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर बच्चे हैं तो ना वो खेल सकते हैं, ना वो भाग सकते हैं, मतलब वो चल फिर नहीं सकते, यू नो अगर आप ब्लाइंड भी हैं तो आप चल फिर भी एक लिमिटेड यू नो डिस्टेंस के लिए चल सकते हो ना, आप ज़्यादा चल नहीं सकते, आप ज़्यादा क्योंकि यू कैन नॉट सी, आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आप चलोगे कैसे, आप खुद भी एक वक्त में आके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब हाँ मैं घर में लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, हम एक रूम से दूसरे रूम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि कभी हमारा दिमाग उस सर से लग जाता है, कभी उस सर से लग जाता है, फिर हम चीखते हैं अम्मी अम्मी अम्मी, ऐसे चीखते हैं ना भाई। तो क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता और ऐसे लोग इग्नोर हो जाते हैं। उसके बाद ये है कि सबसे बड़ा इशू ये है कि मतलब ऐसे लोगों के जो व्हील चेयर्स पे हैं, स्पेशली वो लोग जो व्हील चेयर्स पे, क्योंकि जिनमें बाकी माजूरी है, जो देख नहीं सकते सुन सकते, आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें कहीं भी ले जा सकते हो ला सकते हो, लेकिन बोलते हैं जो लोग व्हील चेयर पे हैं उनके लिए बिल्डिंग्स में कोई एंट्रेंस नहीं है, उनकी मतलब रेस्टोरेंट्स में कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि जिससे जो है वो लोग मतलब चल मतलब किसी तरीके से एंटर हो सकें आसानी से, मतलब क्या बस में कोई इंतज़ाम नहीं है, अगर वो गरीब हैं हमारी तरह उनके पास गाड़ी नहीं है, या ऑब्वियसली बाइक पे तो बैठ नहीं सकते, हमारी तरह उनके पास गाड़ी नहीं है, या वो रक्षा के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो गरीब हैं किसी भी तरीके से एक्स वाई ज़ेड, तो वो बस में भी ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों के लिए कोई मतलब इंतज़ाम ही नहीं है ना। तो हमें चाहिए कि हम बिल्डिंग्स की एंट्रेंसेस में या रेस्टोरेंट्स में या मॉल्स में
बसेस में भी हम रैम्प्स लगाएं ताकि इजीली उनके पीछे स्लाइड हो सके। अब रैम्प क्या होता है, रैम्प वो रैम्प नहीं होता जिस पे हम वॉक करते हैं या खेलते कूदते हैं, रैम्प एक हमारा स्लाइड की तरह का स्लोप होता है, ठीक है। हमने बहुत सारी जगहों पे देखा भी होगा स्लोप होता है, जिस तरह हम सुपर मार्केट जाते हैं वहाँ पे स्लोप होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उससे आप आराम से व्हील चेयर ऊपर ला भी सकते हो, ले जा भी सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें उनकी एक्सेस को ईजी करना चाहिए, मतलब कि वो कहीं भी आ जा सकें, ठीक है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं बताने वाली हूँ, उस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वो हम सबको गौर से सुननी है कि ये चीज़, अच्छा हमने रियलाइज़ किया होगा कोई भी ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता होता, बोल नहीं सकता होता या कुछ भी एक्स वाई जेड, और वो हमारे स्कूल में एडमिशन ले लेता है, हमारी क्लास में पढ़ने के लिए आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे घूरने लग जाते हैं, हम उसे देख देख के हंसना शुरू हो जाते हैं, हम जो है स्माइल करना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम अपने फ्रेंड्स के जो है कान में जो है हम उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें चाहिए कि जब कोई ऐसा बच्चा, ऐसा भी नहीं कोई नॉर्मल बच्चा भी अगर स्कूल में आए, हमारी क्लास में आए या हम उससे मिले, तो हम उसे बहुत अच्छे ओपन हार्टेडली वेलकम करें, हम उन्हें खुले दिल से वेलकम करें, हम उनसे मिलें, हम उनसे सलाम दुआ करें, हम उनसे फ्रेंडशिप करें, ठीक है। मतलब हम जो है एक स्पेशल एफर्ट डालें उनको ट्रीट करने की, ना कि उन्हें अच्छा फील हो, उन्हें बुरा फील नहीं हो, ठीक है। चाहे वो बूढ़े हों, अब स्कूल की बात तो ख़त्म हो गई, अब वही बात है कहीं भी मिले तो, चाहे वो बूढ़े हों या हमारी तरह जवान हों या नॉर्मल हों, हमें क्या चाहिए, हम उन्हें रिस्पेक्टेड फील कराएं भी, और हमें उन्हें ये भी फील कराएं कि वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और लाइफ उनके लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है हमारे उसमें कंट्री में या वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे डिसेबल लोग हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स भी किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली बुक में हम इतने सारे लोगों को डिस्कशन नहीं कर सकते। तो एक बहुत फेमस हमारी हैं, हमने नाम सुना होगा, दैट इज़ हेलेन केलर, HELEN, हेलेन KELLER केलर, हेलेन केलर, शी इज़ हेलेन केलर एंड शी इज़ हर टीचर एनी, ठीक है। अच्छा, तो हेलेन केलर की एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगी कि हेलेन केलर जो है, अच्छा ये स्टोरी सबने सुननी भी और याद भी करनी है, मतलब ऐसे नहीं कि आप बुक रीड करके याद करें, एक स्टोरी है, जैसे मम्मा आपको सोते हुए स्टोरी सुना दिया ऐसी, मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ तो आपको ये स्टोरी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक जो है बच्ची थी, छोटू सी बेबी, ठीक है, बहुत खूबसूरत सी, वो ना अमेरिका में पैदा हुई 1880 में, कौन से ईयर में पैदा हुई, 1880 में, और कहाँ पे पैदा हुई, अमेरिका में। उसका नाम था हेलेन केलर, क्या नाम था, हेलेन केलर। वो इतनी खूबसूरत भी थी, सेहतमंद भी थी, लेकिन क्या हुआ कि जब वो 2 साल की भी नहीं, मतलब 19 मंथ्स की हुई, 1 ईयर 7 मंथ्स की हुई, तो अचानक से हेलेन केलर बीमार हो गई, ठीक है। उसे बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार, बहुत तेज, उतर नहीं रहा। उसके मामा पापा डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, फीवर ही नहीं उतर रहा उसका। तो क्या हुआ कि जो है, लेकिन और उस बुखार ने हेलेन केलर की लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी, ऐसे चेंज कर दी कि उसका बुखार उतरा नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, उसे मेडिसिन दी, मामा पापा ने उसका ख्याल रखा, तो तब जाके हेलेन का बुखार, हेलेन का फीवर उतरना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसका फीवर उतरा तो उसकी मम्मा ने, हेलेन की मम्मा ने एक चीज़ नोटिस करी, अच्छा हमारे यहाँ जब कोई छोटू बेबी होता है, हमारा कोई कज़न या हमारा बहन भाई, तो अगर हम जो है उसको ऐसे हाई करते हैं, ऐसे हैंड वेव करते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं, या हम उसे कुछ भी टॉय दिखाते हैं, तो वो हमें देख के स्माइल करता है या वो देखता है, वो टर्न होता है, ठीक है। लेकिन जब हेलेन तबीयत ठीक होना शुरू हुई, तो क्या हुआ कि जो है उन्होंने ये नोटिस किया कि जो हेलेन तो भाई अपना सर ही नहीं हिला रही किसी भी आवाज़ पे, ना तो वो देख रही है ना वो रिस्पॉन्ड कर रही है, जब वो उन्हें हाथ भी हिला रही है तब पता चल, तब उन्होंने डॉक्टर से बात की भाई कि भाई ऐसा क्यों कर रही है सब, ठीक है। तो जो है उसको उन्होंने जब डॉक्टर से पता किया, तो उनको पता चला कि जो भाई हेलेन तो ब्लाइंड और डेफ हो गई है, मतलब हेलेन ना देख सकती है और ना ही सुन सकती है।
फिर अब यहाँ है तो ये हुआ कि भाई जब हेलन ने देखना सुनना छोड़ दिया तो फिर ऑब्वियसली कि जब आप कुछ देख नहीं सकते तो आप कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन आप सुन सकते हो। लेकिन जब आप देख और सुन दोनों ही सकते हो तो आप क्या बोलोगे? जब आपके पास कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, कोई पिक्चर ही नहीं आ रही, तो आप किस तरीके से बोलोगे? आप नहीं बोल सकते ना। तो हेलन केलर इस तरह ब्लाइंड, डेफ और डम। ब्लाइंड मतलब उसे देखना बंद हो गया, डम मतलब बोलना बंद हो गया, डेफ मतलब सुनना बंद हो गया। शी कैन नॉट सी, कैन नॉट हेयर एंड शी कैन नॉट स्पीक। खैर आगे बढ़े तो जो है, जब हेलन जो है बड़ी होती रही तो उसकी फैमिली पे उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजरा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब एक कुछ साल, दो तीन साल आप देख पाते हो, सुन पाते हो या कुछ भी, और अचानक से आपको दिखना बंद हो जाए या अचानक से आपको सुनना बंद हो जाए तो आप रिएक्शन तो करोगे। तो हेलन ने भी ये करना शुरू किया भाई, क्योंकि वो भी तो छोटी बच्ची थी ना। तो हेलन ने क्या करना शुरू किया, हेलन ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हेलन ने जो है घर के बर्तन तोड़ दिए, प्लेट्स धोना शुरू कर दी। हेलन को हर बात से गुस्सा आता रहता था। फिर उसके बाद मतलब कि फजूल में ना टेंट्रम्स थ्रो करती थी, मतलब कि ना बस अपना गुस्सा दिखाती रहती। जैसे हम है ना, अगर हम मम्मा को बोले या पापा को बोले हमें कुछ चाहिए, या हम मम्मा को बोले हमें कुछ चाहिए और मम्मा हमें नहीं ला के देती है, फिर हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है, या हमें छोटे बहन भाई तंग कर रहे होते हैं या कुछ भी, तो हमें गुस्सा आ जाता। तो हेलन को भी इतना गुस्सा आया कि ना बस फिर मतलब ना वो किसी के हैंडल में नहीं रही। फिर जिस तरह हमारे मम्मा पापा के फ्रेंड होते हैं ना, वैसे हेलन की मम्मा की भी एक फ्रेंड थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो है भाई आप एक काम करें कि जो है ना ऐसे जिस तरह हम लोग नॉर्मल लोगों का स्कूल होता है ना, वैसे इन लोगों का भी स्कूल होता है, तो आप वहाँ से ना हेल्प मांगे। तो जब उन लोगों ने ऐसे स्कूल से हेल्प मांगी जो कि डिसेबल बच्चों का स्कूल होता है, तो उन्होंने एक जो है अपनी फॉर्मर प्यूपल मतलब अपनी एक स्टूडेंट जो कि उसी वक्त वहाँ पे सारी सब करके टीचर ही बनी थी, उसने क्या है? उन्होंने उसको जो है हेलन केलर की हेल्प करने के लिए भेज दिया। उनका क्या नाम था? एनी। क्या नाम था? एनी। एनी हेलन केलर के साथ रहने लगी, उसे पढ़ाने लगी। जब शुरू शुरू में एनी आई तो हेलन केलर को तो इतनी जो है, तो जो है हेलन ने जब वो सॉरी एनी ने जब हेलन को पढ़ाना शुरू किया तो उसने स्टार्ट किया फिंगर स्पेल। अच्छा, हम जब छोटे होते हैं, हम जब प्ले ग्रुप में होते हैं या हम कुछ भी एक्स वाई जेड क्या करते हैं, देखो ये देखो पेन फिंगर स्पेल क्या होती है, हम अपनी फिंगर से कभी ऐसा होता है गेम खेल लेते हैं, हमने मम्मा पापा को भी अपनी फिंगर से जो है कुछ उनके हैंड पे कुछ बनाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। उसी तरह एनी ने हेलन के हैंड पे अपनी फिंगर्स से उसे पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने दो वर्ड्स पढ़ाए, दैट इज डॉल एंड केक। तो जब वो दो वर्ड पढ़ाए तो ऑब्वियसली हेलन तो वो स्पेलिंग पढ़ ही नहीं सकती थी, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, कैसे, क्योंकि हेलन का मसला था कि वो बोल नहीं सकती थी। तो जब हेलन को उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो हेलन कुछ अरसे बाद जो है हेलन का बिहेवियर चेंज हो गया। हेलन जो है अपनी मिस एनी के साथ जो है बहुत अच्छे से पेश आने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा नाइस बन गई, उनकी फ्रेंड बन गई। उनकी जिस तरह आप सब मेरे फ्रेंड हो ना, वैसे ही हेलन भी एनी की फ्रेंड बन गई, ठीक है। उसके बाद जो है हेलन एनी ने जो है हेलन को टेबल मैनर्स भी सिखाए कि टेबल पे किस तरह बैठते हैं, राइट हैंड में हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड में हम क्या लेते हैं, मतलब उसे टच करके सब सिखाया, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि जो है वो लोग एक वेल के पास से गुजर रहे थे, वेल मतलब कुआं होता है, ठीक है, वेल के पास से गुजर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो है एनी ने जो है हेलन का हाथ पानी में डाल दिया, ठीक है। और जब पानी में डाला तो उसने उसके बाद उसके हैंड पे वर्ड वाटर ट्रेस किया, डब्ल्यू ए टी ई आर, इस तरीके से ही जैसे कि उसने डॉल सिखाया था डी ओ एल एल, केक सिखाया था सी ए के ई, इसी तरह वर्ड वाटर डब्ल्यू ए टी ई आर उसने उसके हैंड पे ट्रेस किया, ठीक है। और फिर हेलन को उसके एक्शन से बस समझ आया। तो जब काफ़ी साल गुजर गए हेलन ने मेहनत करी, एनी ने भी मेहनत करी, जब इन दोनों ने मेहनत करी तो क्या हुआ कि इनका जो हेलन ने बात बोली कि जो लैंग्वेज की मिस्ट्री है, जो
राज है जो मैं बोलना वो भूल गई थी ना, क्योंकि वो सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती थी, तो बोलना तो वो भूल गई थी। तो उसने बोला कि जो वो लैंग्वेज मतलब हम जो बोलते हैं अल्फाज उस या बात करते हैं उसकी उसका जो राज है, उसकी जो मिस्ट्री है, वो अब मुझे समझ आया। ठीक है, उसके बाद हेलन ने जब मेहनत 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 करी तो वो ब्रेल रीड भी करना शुरू हो गई और टाइप भी करना शुरू हो गई। ठीक है, तो वो बोलना भी शुरू, ब्रेल टाइप भी करना शुरू हो गई और लिखना भी शुरू हो गई। सही है, वो सॉरी पढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद 28 जून 1904 में हेलन जो है पहली ऐसी बहरी और अंधी मतलब ब्लाइंड और डेफ चाइल्ड थी जो के पर्सन थी जिसने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में डिग्री ली। ठीक है, ओके, तो अब हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं, अपने रिटर्न वर्क की तरफ आते हैं। तो ये रिटर्न वर्क जो है हम सबको मिला भी है, हम सबके पास मौजूद भी है, तो मैं बोलूँगी कि जल्दी से भाग के सब लोग अपना अपना जो है रिटर्न वर्क लेकर आ जाएं ताकि हम इसको समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है हमारी बुक का नाम, वी लर्न इंग्लिश से। उसके बाद लिखा है यूनिट वन, मतलब हमारा यूनिट नंबर वन का नाम, दैट इज़ यूनिट वन स्पेशल पीपल। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है टाइटल पेज। ऑब्वियसली अभी हमारे पास कॉपीज तो है नहीं, तो अभी हम रिटर्न वर्क तो कर नहीं सकते, तो हम जो भी रफ कॉपी में कर रहे हैं तो उसमें भी हम अच्छा सा एक टाइटल पेज बनाएंगे, दैट इज़ यूनिट नंबर वन स्पेशल पीपल। उसके बाद हमें पेज नंबर वन से हमारी कॉपी का, कॉपी चाहे जितनी बड़ी है छोटी है, हमें सिर्फ वन पेज राइटिंग करनी है विदाउट लीविंग अ लाइन, लाइन छोड़े बगैर हमें वन पेज राइटिंग करनी है उसकी। उसके बाद हम आते हैं अपने डिक्टेशन वर्ड्स पे। डिक्टेशन वर्ड्स में क्या है, डिसेबिलिटीज मतलब माजूरी, डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, रेस्टोरेंट जहाँ हम खाने के लिए जाते हैं, रिकवर्ड मतलब सही, टेरिबल मतलब खौफनाक, टेम्पर मतलब गुस्सा, टेंट्रम्स मतलब मूड स्विंग्स, मूड बोल सकते हैं हम टेंट्रम्स को, मिस्ट्री मतलब रास, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, एस्टोनिशिंग मतलब हैरत ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ हैरत से की गई हो। ठीक है, उसके बाद वी हैव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ब्लाइंड मतलब देख नहीं सकते, अंधा बोल सकते हैं, एबिलिटी मतलब नॉर्मल लोग जो होते हैं एबल से लिया, स्कूल का हम सबको पता है, वाटर मतलब पानी, सेंट मतलब मिट्टी, हमें इनके सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं विदाउट एनी हेल्प, मम्मा पापा की हेल्प के बगैर हमें बनाना है। अच्छा, जंबल वर्ड, जंबल वर्ड्स क्या होते हैं, हमने अपनी बुक से 5 वर्ड्स लिए हैं, उनके लेटर्स को हमने यहाँ पे शफल करके लिख दिया है, उस हमें ये शफल लेटर्स को देख के पहचानना है कि वर्ड कौन सा है। तो हमारा पहला वर्ड है ब्लाइंड, दूसरा है डेफ, तीसरा है डम, तीसरा फोर्थ वन इज टीचर एंड फिफ्थ वन इज एटीट्यूड। उसके बाद टर्न ओवर द पेज, हमारे पास है मिसिंग लेटर्स, जिस तरह हमने जंबल वर्ड्स 5 वर्ड्स अपने लेसन में से लिए थे, इसी तरह हमने 5 वर्ड्स मिसिंग लेटर्स के लिए भी लिए हैं, और हमने बीच बीच में से इसके लेटर्स मिस कर दिए हैं जस्ट ताकि हम उसे फिल करके अपना वर्ड कंप्लीट कर सकें। फर्स्ट इज टीच, सेकेंड इज़ फैमिली, थर्ड इज़ बिकेम, फोर्थ इज़ एटीट्यूड एंड फिफ्थ इज प्रोग्रेस। उसके बाद है हमारे पास वर्ड मीनिंग, ये वर्ड्स भी हमने जो है अपने लेसन से लिए हैं। पहला है रिस्पॉन्ड मतलब जवाब, टेंट्रम मतलब डिस्प्ले ऑफ एंगर मतलब मूड, प्यूपल मतलब जैसा ने बताया आपको स्टूडेंट होता है, रिवील्ड का मतलब मेड नोन कोई चीज़ जानना, एस्टॉनिशिंग मतलब सरप्राइजिंग मतलब हैरत ज़्यादा बात, ट्रैक मतलब पाथ फॉर रेलवे मतलब जहाँ ट्रेन चलती हैं उसे ट्रैक बोलते हैं। उसके बाद हमने अभी जो पढ़ा है चैप्टर हेलन केलर, उसी में से क्वेश्चन आंसर्स है, हमें इसके जवाब देने हैं। तो हाउ ओल्ड वॉज हेलन व्हेन शी फेल इल व्हेन शी वॉज ओनली 19 मंथ्स। तो हम सबको ये बात पता है, मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी नहीं, आई ओनली रीड इट फॉर यू, आपको खुद ही सवाल समझ के इसका जवाब देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड हेलन डू व्हेन शी वॉज बैड टेम्पर्ड, जब उसे गुस्सा आता था तो क्या करती थी। तो शी स्क्रीम्ड, स्मैश डिशेज एंड टॉयज एंड हैड टेरिबल टेम्पर्स। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट डिड एनी डू व्हेन शी एंड हेलन वर वॉकिंग नियर अ वेल, एनी ने क्या किया था जब वो और हेलन कुएं के पास से गुजर रहे थे। तो एनी प्लेस हेलन्स हैंड अंडर द वाटर एंड ऑन द अदर हैंड शी स्पेल द वर्ड वाटर,
इसी तरह फ्लिंडर लैंग्स हैं, ये हमारे लेसन के कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने जो उसमें से कुछ वर्ड्स मिस कर दिए हैं। फिर ट्रू फॉल्स हैं, हमारी कुछ सही और गलत स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है उनके आगे हमें ट्रू लिखना है और जो गलत स्टेटमेंट है उनके आगे हमें फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है और हमें इसको पढ़ के सही से जवाब देना है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है पेज एक्सरसाइज एफ पेज नंबर 4, हम अपनी बुक का पेज नंबर 4 खोलेंगे, उस पर हमारे पास एक्सरसाइज एफ है विच इज मैच द कॉलम। पहला है हमारा नमूनिया, सेकेंड है नमूनिया बीमारी होती है, सेकेंड है रिफ्यूज मतलब मना करना, डैमेज मतलब कोई चीज़ ख़राब हो जाना, ट्रीटमेंट इलाज, करेज मतलब आपके अंदर जज्बा हौसला इस तरह, स्प्रिंट का मतलब आप कह सकते हैं कि जो है जल्दी से फौरन, पोलियो एक बीमारी है जिसमें आप चल नहीं सकते, ट्रैक जहाँ ट्रेन से होती है। आपको ये वर्ड्स मैंने बता दी हैं, इन वर्ड्स को आपको सही मीनिंग्स पे निशान मैच करना है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज डी है पेज नंबर 3 पे। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या है, पुट द सेंटेंस इन ऑर्डर टू समराइज विल्मास लाइफ। जैसे हमने अभी हेलेन केलर की लाइफ पढ़ी थी, इसी तरह अब हमारे पास एक और लाइफ स्टोरी है, दैट इज विल्मा रुडोल्फ, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने अपने लेसन में उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें सेल्फ रीडिंग, ये एक एक्टिविटी है, हमें सेल्फ रीडिंग करनी है। ये पैसेज है, हमें ये पैसेज पढ़ना है और हमें इनके सेंटेंसेस को अरेंज करना है, मतलब पहले इसके हिसाब से विल्मा की लाइफ में पहले क्या हुआ था, सेकंड पे क्या हुआ था, थर्ड पे क्या हुआ था, हमें इन सेंटेंसेस को इस पैसेज विल्मा की लाइफ से, ये विल्मा है, हमें इनकी लाइफ के अकॉर्डिंगली लिखना है, सिंपल इज दैट। उसके बाद हमारे पास आती है पोयम अलोन में क्या करना है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर एट में देखो, यहाँ पर भी डिसेबल्ड चाइल्ड है जो कि चल नहीं सकती और यहाँ पे बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सिंपल है बहुत, हमें ये करना है कि ये पोयम दी है अलोन इन माय चेयर आई सी चिल्ड्रन शाउट एंड फन, आई सिट स्टिल एंड ग्लेयर एट एवरीबॉडी हैविंग फन, आई विश आई कुड क्विकली स्प्रिंट एंड जॉइन अदर्स एट प्ले, बट अलोन इन माय चेयर आई सिट लोनली फ्रेंडलेस डे बाय डे। ठीक है, इसका मतलब है अलोन का तुम पढ़ के सबको पता चल गया होगा कि अकेले, तो इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब है कि वो बोले कि देखो मैं अकेली अपनी चेयर में बैठी हूँ और यहाँ पे देख रही हूँ कि बच्चे जो है चीख भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ बैठ के उन्हें देख सकती हूँ कि सब जो है सबको मज़ा आ रहा है, सब फन कर रहे हैं, मतलब मेरा बस नहीं चलता है, मैं किसी तरीके से अपनी व्हील चेयर छोड़ूँ और जल्दी से भाग के ना उन बच्चों के पास चली जाऊँ और उनको खेल में ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ कि मैं चल नहीं सकती ना, तो मैं कर क्या सकती हूँ कि मैं बस अकेले अपनी चेयर में बैठ सकती हूँ और उन्हें देख सकती हूँ और बस तन्हा रह सकती हूँ और मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं वो। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है डिस्कशन टाइम में, व्हाट आर थिंग्स व्हिच आर डिफ़िकल्ट फॉर दिस गर्ल टू डू, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस लड़की के लिए मुश्किल थी करने के लिए, तो इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा, टू शाउट एंड रन, टू क्विकली स्प्रिंट एंड जॉइन द अदर्स टू प्ले, मतलब है जो मतलब कि वो भाग नहीं सकती, सबसे मुश्किल ये था कि वो भाग नहीं सकती, वो शोर नहीं कर सकती, बच्चों की तरह खेल नहीं सकती और ना ही वो जल्दी से अपनी व्हील चेयर छोड़ के जा सकती है और उन बच्चों को जो है खेल में ज्वाइन कर सकती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन द अदर चिल्ड्रेन हेल्प दिस गर्ल, मतलब कि दूसरे बच्चे इस लड़की की कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो ये है, अदर चिल्ड्रेन कैन हेल्प हर बाय गिविंग हर अटेंशन एंड देयर कंपनी एंड डोंट लेट हर फील अलोन, मतलब कि वो चिल्ड्रेन ये बच्चे ही कर सकते हैं कि उसको हेल्प कर सकते हैं उस ऐसे कि उसे अटेंशन दें, उससे बात करें, उसे कंपनी दें, भले वो खेल नहीं सकती लेकिन जो है उसके साथ वो लोग बात कर सकते हैं, उसके साथ वो लोग बैठ सकते हैं, उसके साथ वो लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मतलब जो बैठे हुए होते हैं, जिस तरह हम कहीं जाते हैं पार्क वार्क में हम खेल रहे होते हैं, तो हम किसी तरीके से अपने मम्मा पापा को भी उसमें वो कर लेते हैं, हम भाग के उनके पास आ भी रहे होते हैं, उनसे बात भी कर रहे होते हैं, उनको अपने गेम के बारे में सब बता रहे होते हैं, तो इसी तरीके से हम उस डिसेबल बच्ची की भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और जो मैंने हेलेन केलर के बारे में स्टोरी बताई, मैंने अलोन के बारे में, अलोन जो एक लड़की व्हीलचेयर बैठी उसके बारे में स्टोरी बताई, वो सबको समझ आई होगी, इवन याद भी हो गई होगी।
अब सबको क्या करना है कि जो अच्छा सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को ब्रेल दिखाती हूँ कि ब्रेल होता है क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेल किसी ने नहीं देखा, तो मैं आप लोगों को ब्रेल दिखाती हूँ। वेट, देखो ब्रेल ऐसा होता है जिसमें पॉइंटेड डॉट्स 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 डले होते हैं। अब हम ये पूछेंगे, ये सारे ब्लाइंड और ब्लाइंड लोग जो है इस तरह पढ़ते हैं। अब हम ये पूछेंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसकी पहचान ऐसे होती है कि ये हमें दिखाता है कि ए है तो ए पे कितने डॉट्स हैं, बी पे कैसे हैं, दिख रहा है सबके ऊपर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर डॉट्स लगे हैं, ठीक है, तो ब्रेल इसको कहते हैं। अच्छा तो ये बात यह है कि अगर आप लोगों को इसके बारे में और इन्वेस्टिगेट करना हो, मतलब और जानना हो कि ब्रेल क्या होता है या ब्रेल कैसे टाइप किया जाता है या ब्रेल को हम रीड कैसे करते हैं, तो आप YouTube पे भी ब्रेल लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से होता है। आप YouTube पे नहीं भी लिखोगे, आप Google करोगे, सी मैंने भी Google ही किया है, आप भी Google करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह होता है। लेकिन बेटर ये होगा कि आप YouTube पे ब्रेल की वीडियो चेक कर लो, जिससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ब्रेल में लेटर्स की पहचान, लेटर्स को रिकग्नाइज कैसे किया जाता है। तो ठीक है, अब जो है सबको ये करना है कि जो जो मैंने बताया, चाहे वो ब्रेल के बारे में चाहे वो हेलेन केलर के बारे में, हमें जो है इसको उस स्टोरी को या इसके बारे में, हमें ब्रेल के बारे में अपने मम्मा पापा से पूछना भी है। किसी से भी पूछ सकते हो आप, अपने मम्मा पापा से, भाई बहन से, ट्यूशन टीचर से, मतलब डिस्कशन करना है इस चीज़ को लेकर, या अपने नाना दादी दादा दादी नाना नानी से भी पूछ सकते हो, जिससे आपका दिल चाहे आप उनसे पूछ सकते हो, आप अपने अंकल अपने आंट किसी से एक्स वाई जेड किसी से भी पूछ सकते हो कि ब्रेल क्या होता है। और आप जो है किसी को भी हेलेन केलर की आपने स्टोरी सुनानी है, ठीक है, और फिर वो लोग आपसे क्वेश्चन, और फिर आपको उन लोगों से स्टोरी सुनाने के बाद, चाहे वो मम्मा पापा हों, फिर मैं आपको उनसे क्वेश्चन करना, और फिर आपको पता करना है कि जो आपने उनसे क्वेश्चन किए हैं स्टोरी के बारे में, उन्होंने उसका जवाब सही दिया है या नहीं दिया, ठीक है। आई होप कि सबको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया या कुछ भी क्वेश्चन हो तो हमारे पास जो व्हाट्सएप है, जिसमें स्कूल का नंबर, स्कूल का व्हाट्सएप है, जिसमें जो है लिंक्स मेंशन हुए हैं, आप उस ग्रुप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, या आप उस नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, या नंबर भी मैसेज करके पूछ सकते हो, जो भी किसी भी सब्जेक्ट को लेके, या इसी सब्जेक्ट को लेके, इसकी स्टोरी को लेके आपको कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।